दोस्तों मैं दिल से स्वागत करता हूँ एक बार छप्पन बल्का बात के लिए। ठीक है, और बताता नहीं, मुझे तीसरा पार्सल मिला है उबर मामा के लिए, उबर का ही ले लिया। महिपाल एक्सचेंज तो इसको कासपुरी का मेरा मन में लड्डू कासपुरी का मिल गया। वो आधे घर कितना पास कह रहे कि ओह काले सरदर्दी हम जो ले मजा घर घर की रोटी तक का मिली। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज है संडे और टाइम हो गया है आपका के अराउंड हो चुका है 11:30 12:30 करीब मुझे एक पार्सल मिल गया था 12 बजे से पहले और वही सेक्टर 9 में आया हूँ पार्सल ड्रॉप करने के लिए कस्टमर के पास। तो ये पार्सल है कस्टमर के पास 155 रुपये का अमाउंट था। तो देखते हैं हमें कितना देता है। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 155 में 124 मिले हैं, बाकी मैंने कमीशन काट लिया, पार्सल दे चुका हूँ। अब यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ, अगला पार्सल कब मिलता है चलते हैं अगले पार्सल की तैयारी करते हैं। ठीक है, वहाँ पे वेट करने के बाद मुझे 1.4 किलोमीटर पे एक पार्सल बचा तुगलकाबाद के लिए। ठीक है, 296 का था, 30 रुपये ऑनलाइन है और पार्सल मैंने ले लिया है। एक पीवीसी या मदरबोर्ड जो होता है वो बैग में डाल एक पार्सल है। ठीक है, उसको ड्रॉप करना है तुगलकाबाद, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो इसको ड्रॉप करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों जो पहला जो पैकेट मिला था मुझे 155 का, उसमें 124 मिला। ठीक है, और दूसरा पार्सल 296 का था तो 232 मिला। और आपका टाइम जो हो रहा है 2:46 टाइम हो रहा है, तीसरे पार्सल की वेटिंग कर रहा हूँ और तुगलकाबाद मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ मुझे यहाँ से तीसरा पार्सल कितने बजे मिलता है, किस में मिलता है, वेट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मुझे तीसरा पार्सल मिला है उबर में, तब से इनक्लेव के लिए जाना है, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम हो रहा है आपका 3:26, मतलब 1.5 घंटे के करीब वेट करने के बाद मुझे वहाँ से मिला और इसको पिकअप करने के बाद पोर्टल में बजी बताओ गुड़गावा के लिए 296 फिर से और मिस हो गई। आप उसको ले लिया तब उसको थोड़ी ले सकते थे, उल्टा रूट पड़ता दोनों, तो मैंने फिर अभी उबर का ही ले लिया। अब इसको ड्रॉप करते हैं फिर देखते हैं 13 किलोमीटर का कितना देता है। तो फाइनली दोस्तों मेरा उबर का जो है पार्सल वो हो गया है डन। ठीक है, 13 किलोमीटर का दिया उन्होंने, 117 रुपये बने थे, 118 दिए, 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया। और वहाँ पर इसको ड्रॉप करने के बाद फोटो में बजी थी गुड़गावा 84 के लिए और मैं उसी पिकअप पॉइंट पर आया पड़ा हूँ। पार्सल मैंने देखा तो बहुत इतना ओवर साइज, तो कस्टमर बोला भेजा एक्स्ट्रा दे दो, मैं तो क्या एक्स्ट्रा दे दिया, तो कह रहे 100 रुपये ले लेना, मैं कहूँ कि कैंसिल कर रहा हूँ, 600 से कम नहीं लूँगा, फिर आकर लेके जाऊँगा। तो कह रहा ठीक है आप कैंसिल कर दो, तो मैंने कैंसिल करवा के बिल्कुल ले लिया है। अब यहाँ वेट कर रहा हूँ अगर यहाँ पर बच जाए। चौथा पार्सल फाइनली दोस्तों मेरा चौथा पार्सल होता है डन। ठीक है, मैं वीडियो बना नहीं पाया बट मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा पार्सल क्या था, और 124 का था, 99 रुपये मुझे दिए हैं और 5 के करीब टाइम हो रहा, 4:30 के करीब मुझे पार्सल मिला था। और मैं हूँ अभी आपको साकेत में, साकेत का पार्सल था 124 रुपये का, 99 रुपये दिए। अब देखो यहाँ से कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो मैंने कैंसिल किया था, उसका गुडविल ले लिया, फिर मुझे एक और पार्सल भेजा और जब मैंने उसे एक्सेप्ट किया तो लोकेशन भी वहीं का था और भी सामान क्या लेके जाना था वही पार्सल दोबारा लेके जाना था, किसी और कस्टमर ने ऑर्डर किया था 53 के लिए और जो पहला जो बजा था वो 25 के लिए बजा था DLF के लिए। तो अब मैं दोनों कैंसिल करा चुका हूँ और दोनों का गुडविल ले चुका हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ अगले पार्सल के लिए, देखो कहाँ का मिलता है। तो 551 पे मुझे ये 167 रुपये का अमाउंट का मिला है। ठीक है, मैं ये आपका जा रहा है महिपाल एक्सटेंशन, तो इसको ड्रॉप करते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं कि 167 का हमें कितना देता है। मार्केट में ही है, देखो आप देखो क्या होता है, 5:42 हो चुका है। तो दोस्तों मेरा महिपालपुर वाला तो पार्सल डन हो चुका था और ठीक है, और जो टाइम हो रहा है आपका 6:30 और उसको ड्रॉप करने के बाद मुझे थोड़ा सा आधे ही बढ़ते ही एक विकासपुरी का बजा पोर्टल में,
मेरा मन में लड्डू किया एकदम मस्त वाला, कह रहा यहाँ मजा आ जाएगा, विकासपुरी का बल गया वहाँ से घर कितना पास, मजा जाए। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, वहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस भी था। लोकेशन पे पहुँच के कस्टमर का पहले फोन भी आया था कि यहाँ फलानी जगह पहुँच जाओ। अब मैं लोकेशन पे पहुँच गया तो कहते हैं कि कहाँ पे हो, बैल बजा दो। मैं कहाँ, इधर कौन सी बैल मारूँ, लेमन ट्री का ये अंदर एयरपोर्ट में आई। तो कह रहा कि ओहो गलत लोकेशन उल्टा डाल दिया क्या मैंने, अब बताओ उल्टा वो डाले सरदर्दी हम जुले। 3 किलोमीटर से मैं पिकअप करने गया था, मैं चल विकासपुरी का है यार अपने घर का डिस्टेंस है, मजा आ जाएगा, आज खाली नहीं जाने पड़े। मगर भाई है किस्मत तो लिखे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, उसको कैंसिल करवा के कुछ भी ले लिया। अब यहाँ वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, अगर घर के रूट तक का मिल गया तो ठीक है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज का मैं टोटल बताना चाहूंगा, संडे है बट कोई बात नहीं, संडे भी थोड़ा बहुत अच्छा गया और के हिसाब से ही, ना उम्मीद थी बट उम्मीद अच्छी गई। तो आज का मैं टोटल आपको बताना चाहूंगा कि कितने मैंने इनकम की, कितने घंटे काम किए, कितने मेरी बाइक किलोमीटर चली और कितने मैंने पार्सल सप्लाई किए। तो जो मैंने पोर्टर में पार्सल किया 23 तारीख का संडे के दिन का जो की आज, तो पोर्टर में मैंने किए पार्सल सप्लाई 4, जिसका टोटल अमाउंट होता है 594, मगर 5 कैंसिल भी हुए जिसका गुडविल मुझे मिला 20 रुपए के हिसाब से 100, ठीक है। और ऊबर में मुझे मिला 23 तारीख का ऊबर में मिला था एक पार्सल, ठीक है, 118 रुपए का पार्सल था, ठीक है, एक पार्सल मिला 118 रुपए का, 117 बने थे, 118 दिए मेरे को ऊबर ने, और 100 रुपए का हो गया कैंसिलेशन गुडविल। तो टोटल अमाउंट होता है मेरा 594 प्लस 118 बस 100 रुपए गुड, तो टोटल इनकम होती है 812 रुपए। क्या बात करें कि हमने घंटे कितने काम किए हैं, तो किए थे हमने पूरे 9 घंटे काम किए संडे के दिन, 9 घंटे काम किए, क्या और 9 घंटे क्या, 2 घंटे तो लॉगिंग में ही थे बजा ही नहीं, क्योंकि पहला पार्सल मैंने 12:30 बजे लिया था, ठीक है, तो अराउंड 6 घंटे के, 6.5 घंटे के 2 घंटे निकाल दो, 7 घंटे के काम किया टोटल, जो घंटे मैंने काम किए 7। बाइक बात करेंगे हमारी बाइक कितनी चली, बाइक चली हमारी टोटल 90 किलोमीटर चला हमारा, ठीक है, जिसमें 812 माइनस 90 किलोमीटर चला तो हम 200 रुपए पेट्रोल मान लेते हैं 200, तो टोटल जो अमाउंट बनता है हमारा 7 घंटे में 612 रुपए। आज अगर कैंसिल नहीं होता, साइज इतने बड़े बड़े थे, वो इससे अच्छा इनकम हो सकती थी, बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो संडे के लिए दिन भी इतना निकल गया तो बहुत है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर।